दिवंगत मन से नेता जमील शेख के बच्चों ने लगाई इंसाफ की गुहार, कहा हमारे अब्बा को इंसाफ दिला दो या तो हमें अब्बा के पास भेज दो। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 23 नवंबर 2020 को राबोड़ी में यहाँ के मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की निर्मम हत्या की गई थी। इस हत्या के बाद काफी कोहराम मचा। कोहराम मचने के बाद ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी जो कि राबोड़ी क्रांति नगर का रहवासी शाहिद शेख, इसको गिरफ्तार किया। मगर इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस दौरान मनसे के बाला नांदगांवकर जैसे नेता, अन्य कई नेता, उन्होंने आकर के मृतक जमील शेख के परिवारजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी मिले। उन्होंने मुलाकात की थाने के पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी, इनसे भी मुलाकात की। बहरहाल 23 जनवरी को इस हत्याकांड को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। राजनीतिक रूप से इसमें आरोप भी लगाए गए जमील शेख के परिवार द्वारा, मगर अब तक ये हत्याकांड जो है जांच के मामले में देखा जाए तो अधर में लटका हुआ है। इसकी जांच पूरी नहीं हुई है अब तक। इसमें और भी अन्य जो शामिल अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। इसी को लेकर 19 जनवरी मंगलवार के दिन जमील शेख के परिवार के लोगों ने, खास करके उनके बच्चों ने, पूरी राबोड़ी में अपनी एक छोटी सी जो है जागृति रैली, जिसे कहा जा सकता है, वो निकाली, जिसमें उन्होंने संदेश दिया राबोड़ी के लोगों जागो, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। क्या कहा है संक्षिप्त में उन्होंने, वो वीडियो भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें इन बच्चों ने अपनी बात कही है कि हमारे अब्बा को इंसाफ दिला दो या तो फिर हमें अब्बा के पास भेज दो। 2 महीने के बाद भी अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा न होना भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से अब इन बच्चों को इनकी गुहार पर इंसाफ मिलता है ये देखना। मेरे अब्बा की बहुत याद आती है, मेरे को भी अब्बा के पास भेजना चाहिए था। मैं तो अब्बा को इंसाफ दूँ। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस।